तो इसका कुछ इम्पैक्ट आएगा ऑन आइसोकॉस्ट लाइन पे के जी अगर अमाउंट एलोकेटेड ऑन द परचेज ऑफ टू इनपुट्स इंक्रीज हो जाए देन क्या होगी देन आवर आइसोकॉस्ट लाइन विल शिफ्ट राइटवर्ड और इट विल शिफ्ट अपवर्ड हाँ जी अगर फार्मर डिसाइड करे कि मुझे ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल है इसकी कंजम उस पे मैं कुछ अपने रिसोर्सेज कम अब यूटिलाइज करूंगा तो देन क्या होगा दिस आइसो कॉस्ट लाइन विल शिफ्ट डाउनवर्ड और ये जो शिफ्ट हो रहा है आइसो कॉस्ट लाइन फ्रॉम वन पोजिशन टू एन अदर पोजिशन दिस इज बिकॉज ऑफ चेंज इन अमाउंट एलोकेटेड फॉर दर्चेज ऑफ दिज टू इनपुट बाई दी चीज को हम एलेबोरेट करें वो ये अपनी एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं कि फॉर एग्रीकल्चर आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल और इस लेबर एंड कैपिटल को जो कि एज ए इनपुट यूज हो रहा है टू प्रोड्यूस आउटपुट इसको परचेज करने के लिए फार्म, फार्मर को क्या बियर करना पड़ता है फार्मर हैज टू बियर सर्टन कॉस्ट फार्मर हैज टू यूज सर्टन रिसोर्सेस अब अगर वो यहां पे जो भी वो परचेज कर रहे हैं लेबर और कैपिटल पे इस पर जो भी उसने जो रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं अगर उसकी अमाउंट वो इंक्रीज कर दे बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट एलोकेटेड फॉर दर्चेज ऑफ दीज टू इनपुट्स तो ये जो हमारी ओरिजिनल आइसोकॉस्ट लाइन है इट विल शिफ्ट फ्रॉम ओरिजिनल पोजिशन टू न्यू आइसोकॉस्ट और ये जो इंक्रीज हुआ है आपकी परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ द फार्मर में टू बोथ इनपुट्स दिस इज बिकॉज ऑफ एलोकेशन ऑफ मोर रिसोर्सेस टू परचेज कैपिटल एंड लेबर अब अगर मैं इस चीज को कुछ यूं बात कर दू कि सपोज ये फार्मर डिसाइड करता है कि ही शुड डिक्रीज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस ऑन द परचेज ऑफ दिज टू इनपुर्ट्स और वहां पर हमारी जम्शन क्या है देर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स इन मार्केट सिर्फ एलोकेशन फार्मर अपनी चेंज कर रहा है और किस फॉर्म में कर रहे हैं यहां पर वो डिक्रीज कर रहे हैं इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस फॉर द दर्चेज ऑफ दिज टू इनपुट तो इस केस में क्या हो जाएगा उसकी जो आइसो कॉस्ट लाइन है इट विल शिफ्ट डाउनवर्ड हम ओरिजिनल, हम आइसो कॉस्ट जो ओरिजिनल थे उसको तो हम डिनोट करें दिस इज कॉस्ट। और इस डायग्राम में जो मैं न्यू आइसो कॉस्ट कह रहा हूं दैट फार्मर हैलोकेशन ऑफ रिसोर्स वेन ई डिक्रीज देशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर दर्चेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल और ये जो डिक्रीज इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बजट किया फॉर्मर ने उसकी वजह से आपकी आइसो कॉस्ट लाइन क्या होगी इट विल शिफ्ट डाउनवर्ड अब अगर इस सारे को अगर हम समराइज कर दें तो मुझे क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि वेन देर इज नो चेंज इन प्राइसिस ऑफ इनपुट बट ओनली देयर इज चेंज इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाई प्रोड्यूसर बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू परचेज टू इनपुट्स बाई द प्रोड्यूसर तो इट विल शिफ्ट फ्रॉम वन पोजिशन टू एन अदर पोजिशन हाँ जी आइसो कॉस्ट लाइन को अपवर्ड शिफ्ट कर देगा इफ देयर इज इनक्रीज इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस बाई प्रोड्यूसर टू परचेज टू इनपोर्ट्स और इसी आइसो कॉस्ट लाइन को वो डाउनवर्ड शिफ्ट कर देगा इफ देयर इज डिक्रीज इन एलोकेशन ऑफ बजट टू परचेज टू इनपोर्ट्स